किसी ने गहरे पानी में लगाई छलांग, तालाब के किनारे मिला सुसाइड नोट। ग्रामों की आशंका, युवती तालाब में खोदी, 5 घंटे बाद नहीं मिला युवती का शव। तालाब के किनारे मिला सुसाइड नोट और दुपट्टे। सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस, गोताखोरों की मदद से खोजबीन जारी। सरस्वती के थाना क्षेत्र गिलौना क्षेत्र के अंदर मनकोरा गोसाई पर्वत के रहने वाले एक युवती का हसना भारी पुल के बगल तालाब के पास एक सुसाइड नोट और उसके दुपट्टा मिला। ग्रामों के शंका हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। घटना स्थल पर गिरौला पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से तालाब के गहरे पानी में ढूंढने की कोशिश जारी की। 5 घंटे बाद युवती का शव पानी में नहीं मिला। जानकारी मिलने पर युवती के परिजनों ने मौके पर पहुंच गए। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं अपने आप को आत्महत्या करने जा रही हूँ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जनपद सरवस्ती से मुजब अहमद की रिपोर्ट। पुलिस से क्या नाम था? आप बता रहे हैं आपके घर की लड़की इसमें कूद गई है। हाँ, इसमें कूद गई। कौन है रिश्ते में आपकी? हमारी बहन। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि इसमें वो सुसाइड नोट भी मिला है, फिर यहाँ पे दुपट्टा और पेपर भी मिला है। आपको लगता है वो पानी में है? हाँ। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस जाल वाल डलवाई है, लेकिन अभी जाल मिला नहीं। ठीक है। लोग अभी जो तालाब में कोई लाश ढूंढ रहे थे, ये जो जाल आप लोग लगा रहे हैं, इसमें कैसे फंसते, इसके बारे में कुछ बताइए। अभी कांटा छोड़ दिन जाता है, अगर ये क्या अंदर फंस गया तो बाज गई उससे। पहले भी कभी किया आपने इस कांटे से? हम लोग को पेशान आए कि गांव घर में हर इकट्ठा कोई आएगा इमरजेंसी में। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने पूरे तालाब में ढूंढ लिया, क्या लगता है आपको, कुछ नहीं मिला इस तालाब में? अभी वहाँ हमारे अनुभव तो यह कहा था कि वहाँ आए हैं, हो सकता है भैया मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, लाश अगर होगी तो तभी हो सकती है। हाँ, तभी होगी तो लगभग कितने घंटे बाहर निकलेगी, कुछ अंदाजा? कम से कम 4 दिन।